घर घर अलख जगाई जगिलड़ैन राज पाई घर 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 अलख जगाई जगिलड़ैन राज पाई अपना नीज क्वेन कत का सोचवेन क्या दिपाई कथ लगौण छो फील्ड मार्शल माटी का लाल दीवा कर भटे कथा सुनौण छो फील्ड मार्शल उत्तराखंड का वीर दीवा कर भटे। जब उत्तराखंड के निर्माण के लिए हो रहा था संग्राम, जब उत्तराखंड के हर ग्राम और शहर में मचा था कोहराम, जब रामपुर के तिराहे में उत्तराखंडी दे रहे थे अपनी जान, जब उत्तराखंड की बेटी बहू का हो रहा था अपमान, पूछे इन विरोधियों से उस वक्त ये सब कहां था। और फिर याद कीजिए हर पल हर क्षण दिवाकर भट्ट उत्तराखंड के साथ थे। दिवाकर भट्ट जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम्हारा गारा माटा कुछो छोड़ कुड़ी यार बाटा कुछो तुम्हारा गारा माटा कुछो छोड़ कुड़ी यार बाटा कुछो बहुत आईनी आंदोलनकारी ऊसी अलग छाटू मैं छो ऊसी अलग छाटू मैं छो ज्वनि खपाई मैन उत्तराखंड कुड़ी बाग बणियो रो विरोधियों कुड़ी ज्वनि खपाई मैन उत्तराखंड बटे। जब लखनऊ में पहाड़ के अधिकार को ललकारा था, जब सत्ता के अहंकार ने पहाड़ियों को दुत्कारा था, जब जालिम हुक्मरान ने पहाड़ को बारंबार धिक्कारा था, जब श्रीयंत्र टापू में पहाड़ियों को चुन चुन कर मारा था, तब पूछे इन विरोधियों से उस वक्त ये सब कहां थे। और फिर याद करिए कि हर दिन हर रात दिवाकर भट्ट उत्तराखंड के साथ थे। लोगों ने अपने सीने पर गोलियां खाई, क्या वो पागल थे? जो हजारों घर बर्बाद हो गए, क्या वो पागल थे? जो माँ बहनों का सम्मान, हमारी बहनों का सम्मान खो गया, क्या वो पागल थे? क्यों? अगर पागल थे, सिर फिरे थे, तो चलो मान लेते हैं पागलों ने ये लड़ाई लड़ी। लेकिन मेरा दुर्भाग्य यह है कि वो जो कुछ भी हुआ, अगर मैं आंदोलन शुरू न करता तो शायद ये नुकसान हमें नहीं उठाना पड़ता। आज भी हम जब दृश्य देखते हैं षड्यंत्र पर, जब दो लड़कों को उन्होंने नदी में डाल करके, और दिसंबर का ये महीना था, जनवरी का कोई ठंडा पानी हमारी के बीती होने ऊपर, और दो मर गए थे, 60 लोगों के हाथ पैर टूटे थे, पूरे राज्य आंदोलन में खटी मामू सुधी पतरी को कमाल लोग मारे गए। बात मुजफ्फरनगर कहीं हमसे बात करने के लिए कोई सरकार तैयार नहीं थी। मेरे को तो 3 बार उन्होंने देखते ही गोली मारने का आदेश कर दिया था। मैं नहीं बचूं कि मैं लो आता, आप लोगों का आशीर्वाद रहा कि मैं बचा हुआ हूं। आपके 3 बार गोली मारने का आदेश हुआ, देखते ही अगर पुलिस कहीं भी देखेगी तो देखते ही गोली मार दो, तो जब देखेगी तो उनका कह मान मारे। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि तमाम कुर्बानियां देने के बाद अगर हम उस मकसद का राज्य नहीं बना सके, मकसद केवल यही है कि हमारे राज्य के लोग बाहर न जाए, 74 लाख लोग चल न पाए, 43 लाख केवल दिल्ली में, अगर पूरे देश का अगर आप गणना करेंगे तो लगभग 73-74 लाख लोग बाहर है। हमने सोचा था कि हम ऐसा राज्य बनाएंगे, उसको ऐसा सजाएंगे कि हमारा नौजवान बाहर ना जाए और जो बैर गया था वो भी वापस आऊं। गंगा छाला का गंग लोड़ो मा रेत का भी सोना ठिकेणो मा श्री यंत्र रोटी पकैनी सोल आग का लखड़ू मा सोल का बचा लखड़ू मा दगड़िया। सम्मान का तिलक लगाने का मौका आप लोगों के पास है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, सब उनके लिए सुनने के लिए बैठे वहां पे।
बड़े मनन गंभीर अगल बगल पड़ोस रिश्तेदारों से बोलो कि इतनी बड़ी हस्ती था मेरा वकी जुगता हुए। पर मैं सबसे हाथ जोड़ रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, अपने गांव रिश्तेदार सबसे बोलो भाई एक शख्सियत इसको तिलक करना है इस बार। जय भारत जय उत्तराखंड। शहादत भूली न जाए। हमारे बीच में है लेकिन आज इस भिक्षा के लिए आपके बीच में है कि अब उत्तराखंड को बचाना है। मैं अपने नौजवान साथियों से और अपनी माताओं बहनों से ये आह्वान करना चाहती हूँ कि आप सभी को अब उत्तराखंड को बचाने की लड़ाई में उतनी ही शिद्दत से, उतनी ही मेहनत से और उतने ही मन से साथ देना होगा माननीय दिवाकर भट्ट जी का, जो जिनका की नेतृत्व में, जिनके नेतृत्व में देवप्रयाग विधानसभा की जनता जो है वो 2022 में चुनाव लड़ने वाली है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि हमें एक ऐसा नेतृत्व चाहिए कि जो नेतृत्व अब उत्तराखंड को बचाने के लिए जो है हमारा हमारा मार्गदर्शन करे। उत्तराखंड का वीर दिवाकर भट्ट है। जब वर्ष 1994 में पहाड़ ने शुरू किया था संघर्ष, जब इस प्रदेश के लिए नीति नहीं बनाई है और आप समझ सकते हैं क्या आपके सर के ऊपर यह डैम बना है, हमारे सर के ऊपर टेजी का डैम बना है, लेकिन हमें क्या फायदा। और मैं कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि पहले तो हमें बिजली पानी फ्री में मिलना चाहिए था, जो पैसा हमारा सीआरएस मध्य से इस मध्य से लाभ का पैसा मिलता है, नहीं तो कम से कम मूर्खों 50% बिजली हमारे लिए फ्री तो करते। क्यों वो बाहर वाले आदमी को यहाँ ला रहे हो कि साहब ये कमाए यार, पति बने खराब पति बने। भनो धोनी मेरो तुम्हारी कृपन कुर्सी जो मिलो, सुनी लायू ध्योज मेरो तुम्हारी कृपन कुर्सी जो मिलो, राज का बाना मरीन चुअर माँ बैणियो बेजत्यो बदुल, बेटी वारियों को बेजत्यो बदुल, आंखों माले की जय सुफी नसी मरी वे उत्तराखंड। क्षेत्र पार्टी सत्ता में आ रही, कम से कम 7-8 लाख लोग होते हैं जो हमारे अधिकार, जो हमारे कार्य और कानूनी अधिकार, जो नियम का अधिकार, वे हिसाब से मिलो और 7-8 लाख लोग होते हैं रोजगार मिल रहे, वे हिसाब से तू भी बेरोजगार नहीं लड़ रहा, लेकिन तभी हो जब जनता को आशीर्वाद दे लो। और क्षेत्र पार्टी उत्तराखंड का अंकल दिवाकर भट्ट जी ने आशीर्वाद दे ली, अब मैं तो आशीर्वाद दे ली, वे हिसाब से काम कर लो। जब हिमालय का हिम पिघल कर लावा बन गया, जब गंगा का पानी उबल कर डबल नल बन गया, जब गढ़ कुमाऊं की महिलाओं ने हाथों में दातुड़ी थामी, जब उत्तराखंड के जवानों ने आज दो अभी दो की ठानी, तब इन सब विरोधियों से पूछिए ये सब उस वक्त कहां थे। और उस समय दिवाकर हर सुबह हर शाम उत्तराखंड के साथ थे। के पास वो शक्ति होती है जिन पे जो है हमारा संसद संसद कानून नहीं बना सकता है, उन पे जो है राज्य स्तर पर हमारे विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, जो विधायक होते हैं, उनको कानून बनाने का अधिकार होता है, उनको कानून में संशोधन का अधिकार होता है। दिवाकर भट्ट जिंदाबाद, जिंदाबाद दिवाकर भट्ट जिंदाबाद। मन की प्यारी बिनी रही जुछे मेरी खाक्यास, मन की प्यारी बिनी रही जुछे मेरी खाक्यास, तुम्हारा हक लड़े मेरी देला जु तुम मेरु साथ, देला जु तुम मेरु साथ, बन अधिनियम उत्तराखंड का वीर दिवाकर भट्ट।